नमस्कार, आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं वह है कर्ड राइस, जो कि खाने में बड़े ही टेस्टी होते हैं। तो आज बनाते हैं कर्ड राइस और देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यह बॉईल किए हुए चावल हैं, जो कि बड़ा वाला 1 कप है, यानी कि 250 ग्राम चावल है। इन्हें बॉईल करके रखा हुआ है। यह धनिया पत्ती है, जो कि 100 ग्राम है। करी लीव्स, जो कि 15-20 करी लीव्स ली हैं। काली मिर्च, जिसे बारीक पीसा हुआ है। और छोटी वाली तीखी वाली हरी मिर्च, जिसे बारीक काटा हुआ है, तो वो 3 हरी मिर्च ली हैं। राई, पुदीना, जिसे बारीक पीसा हुआ है। और नमक, यह कर्ड है और यह है हींग है। अब सबसे पहले हम धनिए को बारीक काट लेंगे और इसी के साथ करी लीव्स को भी एकदम बारीक कर देंगे और इनको साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल लेकर राई डाली है, तो इसमें राई हमें ज़्यादा डालनी है, तो हमने 2.5 चम्मच छोटे वाला राई का डाला है। राई जब गर्म हो जाएगी, यानी जब चटकने लग जाए, तब हम इसमें हींग डालेंगे, जो कि 1/2 चम्मच हींग का लिया है। उसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च भूननी है। अब इसमें लीव्स डालेंगे, जो कि हमने बारीक काटी हैं। करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, काली मिर्च, एक मिनट के लिए इन्हें भूनना है। गैस की फ्लेम को एकदम कम रखना, वरना ये जल जाएंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देते हैं। अब एक बड़ा बाउल लेते हैं। सबसे पहले बड़े बाउल में हमें 1/2 राइस डालने हैं। उसके ऊपर हमने 2 बड़े वाला चम्मच दही डाला है और उसके ऊपर हमने हमने जो तड़का तैयार किया है, उसका 1 चम्मच तड़का हमने चारों ओर फैला दिया है। अब बाकी का बचा हुआ राइस इस तड़के के ऊपर डालना है, यानी लेयर बनानी है। तो हमने इसमें 2 लेयर ली है। अब बाकी का बचा हुआ पूरा कर्ड हम इस लेयर के ऊपर डाल देंगे चारों ओर। अब बाकी का बचा हुआ तड़का, नमक, जो कि 2 चम्मच नमक डाले हैं, पुदीना, अभी ने अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें धूप में या फिर किसी गर्मी वाली जगह पर 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि सभी चावलों में दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो 2 घंटे बाद कर्ड राइस बनकर तैयार है और अब हम इन्हें सर्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद में यह एकदम सेट हो जाते हैं। अगर यह कर्ड राइस आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि मैं ऐसी ही नई रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहूं।